क्या 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 कह रहे हो? कहीं उनको भाई ने मेरा बच्चा भी तो नहीं भेजा है? हे केसरी नंदन, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष घर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग श्राप बस वाले था या जब जहां आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यह भेद मेरा लगाते हो, छल से वश से या कौशल से वह करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे सारा देना तुम। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कठिन मार्ग है यहाँ का, वह है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर? ऊंचे पहाड़ बालू गया निश्चर बानर का डर भवन। ऐसे बिहड़ गया आ गए आप क्यों कर भगवान? आप यति तपसी कोई या भूले भटके फिरते हैं, या भूले भटके आने के लिए जाते हैं कहाँ कहाँ के? हम दोनों एक राह के हैं, रास्ता क्यों कट जाएगा? परिचय होगा जब आपस में तो फिर अच्छा कट जाएगा। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा ही कहीं आपको है आ रहा है याद भूलते हैं। हमने कुछ चक्कर में है किस तरह बताए कहा के है, जब देख तब देख, लेकिन अब तो न यहाँ के है न वहाँ के है। अरे आपका ब्राह्मण का पर देख रहे बनवासी है, ऐसे ही हम भी ईश्वर में राजा भूखे सन्यासी है। देशा विदेश में न ठीक पता अपना न किसी का कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बच्चे इधर भी वही है। आपको चिंतित देखकर ही पूछ रहा हूँ, शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं। हे अतिथि कृपा कर बतलाओ किस चिंता में हो अटक रहे? क्या नाम कहाँ से आए हो, इसलिए यहाँ पर भटक रहे? तुम ब्रह्मा हो या विष्णु हो या शेष पति शिव शंकर हो, पृथ्वी का हार बताने को आए अवतरित होकर हो। नर रूप किया धारण तुमने क्या लीला आंख दिखाई है? क्या भूल गए हो रहा कोई, क्या कोई विपदा आई है? जो काम हमारे लायक हो वह हमको आंख बताओ। तुम किस कारण यहाँ पर आए हो वह साफ साफ बतलाओ। तकदीर
क्या अपना हाल बताए हम, कुछ वक्त नहीं चलता हो मुझे, क्या तुम्हें समझाए हम। हम कौशल पक्के लड़के हैं, वनवासी होके रहते हैं, लक्ष्मण है इनका नाम तो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। कुछ आज्ञा से वन आए हैं, पंच वही ने वास किया, कि साथ हमारे सीता भी पर चुकी ने निवास किया। वहाँ पंचवटी से सीता को धोखा देके गया हरा, इतना ही परिचय है अपना, जीवन है अपनी दर्द में। अपनी सीता को ढूंढ रहे कुछ नहीं अभी तक पाई है, धनियों के है सब मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं चारों पे, कर देंगे दुष्ट निर्भति आता है अपने बारों पे। तुमने बतलाया अन्यथा न करना अच्छा है, जग में तो सभी स्वार्थी है, कोई ना किसी का सच्चा है। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, उदास आपका मैं स्वामी, उदास आपका मैं स्वामी, यह सच्ची बात बताता हूँ, मैं सेव प्रभु जी आपका हूँ, मैं ही हनुमान कहता हूँ। श्री महाराज हम वानर है, ब्राह्मण सहिता राजा है, सुग्रीव यही पर रहता है, जो हम लोग होता राजा है। जोड़ी थी बिहार
जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो सारा देखा था। भारत की तरह दीवाने आवाजें कुछ बोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई सायद नग्न नहीं थी। लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, किसको मेघ की भांति गया जल धारा अत्य जाते थे। वह दृश्य और यह करुणाविधान विस्मित हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण लेके यही प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं, कल वो चोर गया रह गए हर कुंडल में जो सीधा लक्ष्य हो गया। हे प्रभु मैंने उन अवसरों को संभाल कर रखा हुआ है। लक्ष्मण ये दोनों वही कुंडल है जो वैदेही अपने कानों में धारण करती थी। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की तुझी नहीं मिली तो मिलना तेरा निष्फल है। लक्ष्मण आगे आओ देखो, सीता का कुंडल है यह। क्षमा करना भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के का नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ सगुन है अच्छा है, खड़गन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडलवादी वैदेही का इस भाग हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता किया है नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण जिसको जाने वाले अब दक्षिण जाना प्राणों पर। हे प्रभु चलिए थोड़ा भ्रमण कराए। जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हमें चिंतित हो जाते हैं। पहाड़ पे रहने का
क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथ ही सुख दुख के हैं, फिर क्या डालो तुम कर क्या है। हे प्रभु, मेरा तो अथाह सागर की भांति है, फिर मित्र से क्या छिपाना। हे करुणा जी सुनिए, दो भाई हैं सगे तो, नाम कंज हमारा है बाली है, नाम कुतरे का बड़ भाई नाथ वो प्यारा है। रघुकुल मेरा भाई बलवान बड़ा ही भारी है ताकतवर वह श्रेष्ठ प्रभु अति सूर वीर लड़धारी है। मुझ में और मेरे भाई में पहले लगाव तुम्हारी की, दो देह की और जान एक ऐसी हाथी तो हमारी की। बाली को नाथ सहारने गया, दानों को जाकर ननकारा, डर बस भागा वो माया भी, यह सांप सभी को है प्यारा। बाली भी दौड़ा पीछे से, मैं भी भाई के साथ लगा, वो असु चला ही जाता था, एक सैर अंदर आ जाए छुपा। तब पहुंच वहां पे बाली ने कहा था मुझको समझाकर, जब एक मास न आओ तो मेरा मरण समझना घर जाकर। एक मास बाद स्कंदरा से पहुंची रक्त की धारा है, मैं समझा मेरे भाई को दानों ने मारा है। दोनों में हो गया पल्लव युद्ध।
दोनों थे हरि बल वाले। चार साल तक युद्ध हुआ नहीं उसका कुछ परिणाम होगा। दोनों रणवीरों में संध्या तक संग्राम हुआ। महादेव के लाल हुआ वाली कृदार के मुंह का मारा है। कंधे के ऊपर डाल उसे धरती पर तक पछाड़ा है। कर डाले दो रुपए उसके वह था दैत्य बड़ा विकराल। उत्तर साम्यवादी ने फेंका आतंकाल। तुंदुभी के देह से रक्त निकल जब ऋषि बसंत तक आया जब देख लहू मुनि के आंखों में क्रोध बड़ा ही आया था। यह श्राप दिया इस पर्वत पर जो उसका घातक आएगा आते ही इस पर्वत पर वह भस्म शीघ्र हो जाएगा। किसी श्राप के कारण से बाली यहाँ नहीं आता। मैं रहूं ना किसी से यहाँ फिर भी मन है घबराता। हे सखा हे सखा न घबराओ कितना इस मन में तुम धीर धरे निश्चय ही मारेंगे बाल को सब दूर विजय का पीर करे। मेरा बाली पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है क्योंकि सब के सामने आते ही सब की अधिशक्ति बाली को प्राप्त हो जाती है। एक बात और है इन सात तारे के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय अली पर पाएगा। नहीं कर सकता मैं अब मुझ को दल तोलती है मालूम मुझे यह होता है उसके मृत्यु बोलती है। पृथ्वी के पहुंच तोड़ी अपना अब उसका रथ चलाएंगे सब राज बाट सुग्रीव में हम संध्या तक दिलवाएंगे। मारोगे आप प्रभु पूछे यह मुझको विश्वास हुआ। अब सब प्रकार से आश्वस्त हुआ सब प्रकार से सब दूर हमारा त्रास हुआ। हे प्रभु बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। देना है बाल को मृत्यु दंड इसका सुगंध तुम ध्यान करो। लड़ने को अब आप सभी तैयार सभी सामान करो। हे मित्र जाओ मैं बाल पर सिर पर प्रहार करूंगा। जैसी आज्ञा करो। Thank you.
भाई से भाई मिल करे ना इचित बात नहीं होगी, नहीं तुझे मिलेगी आज में क्या यह प्रतिभा होगी। हे देवी तारा, तुम मेरे विषय में संदेह ना करो। हे प्रिय, हे प्रिय बात मेरी सुन लो, अब पिछला सपना साकार करूं, रण में 100 सुग्रीव भी हो तो उनका मैं संहार करूं। छोड़ो मुझे, सुग्रीव कहां है, निकल, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। सुग्रीव, आज तो मुझसे नहीं बच पाएगा। सुग्रीव की ओर से
राम और लक्ष्मण है। उन्होंने बहुत से सारे असुरों का संहार किया है। वे बड़े तपस्वी हैं। इस समय नरक चले जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण से पाया नेत्र धड़कता है। सिर में अंधेरा सा छाया है, मैं दिल को खली करेजे को मुंह को आया जाता है। है राम प्रभु नहीं मुझ पर बाण चलाएंगे, यदि मर जाऊं उनके घर से तो स्वर्गवास हम पाएंगे। छुप कर मेरा जो प्राण लिया
रघुवंशी का धर्म नदी। हे बात राम तूने वर ऐसा मांगा था बात इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। सुनो तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष मारा जाएगा सम्मुख लड़ने वाले का बल खींच कर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट न हो ऐसा न धर्म हमारा है पत्नी विचारों के कारण यह बार हार से मारा है। हे राम मेरी और तुम्हारी तो कोई शत्रुता नहीं थी फिर ये छिप कर मारने का क्या कारण है। सुग्रीव हमारा भाई है भाई भाई है हम दोनों समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक समान में। सुग्रीव मित्र और बाल शत्रु यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो वध करने का क्या कारण है। कन्या भामिनी की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो दृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है बदकिसी कारण हमने बार मार समाप्त कर डाला है। बावत को साक्षी देकर हम बन चुके क्या मित्र सुना नहीं दुख मित्र मित्र का हरते हैं या वाक्य मित्र का सुना नहीं। जो मेरी विश्वी सीता को मुझसे कड़करे मिलाने का क्या मैं भी कुछ न कार्य करूं उससे कुछ पर दूर मिटाने का। हे करुणानिधान मित्र बनाने में आप छले गए ये सुग्रीव आपको सीता से क्या मिलाएगा। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है इसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति पाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा वह सीता सुध का काम करे गीतर में वह है शक्ति कहा जो लाहर से संग्राम करे। यदि मुझसे प्रभु मिलते पहले तो मैं यह अवश्य दिखला देता
की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूं उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने ही उस तुच्छ अनाड़ी को प्रदान करो। यह पुत्र में